सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में कभी भी अपने आप को किसी से हीन या श्रेष्ठ ना समझें, क्योंकि श्रेष्ठता अहंकार पैदा करती है और हीनता आत्मविश्वास को कम कर देती है। अपने सर्वोत्तम गुणों का प्रदर्शन करें तो कोई भी आपकी नजरअंदाजी नहीं करेगा। जमीन की खुदाई से प्राप्त होने वाले सोने से ज्यादा विचारों की खुदाई से ज्यादा सोना प्राप्त होता है। आज का पंचांग 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि सुबह 10:58 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 4:27 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:08 से 2:54 तक रहेगा। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त शाम 6:26 से 8:45 तक रहेगा। मिथुन राशि 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, आपके अवसर आपसे पुरानी रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर कर सकती हैं। आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे क्योंकि इससे न केवल आपकी वर्तमान स्थिति बल्कि आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होगी। इससे मैं अपनी घरेलू खुशियों के कारण खुश रहें क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा। अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ कानूनी मामलों को सुलझाएं, परिणाम आपको खुश कर देंगे। आध्यात्मिक और बौद्धिक कार्य में मन लगेगा। अगर मौका मिले तो अपने माता पिता या सलाहकार के साथ लघु यात्रा पर जाएं और परामर्श लें। आपको जल्द ही शानदार नतीजे मिलेंगे। अपने अहंकार को अलग रखकर होशियारी के साथ कानूनी मामलों को सुलझाएं, परिणाम आपको खुश कर देंगे। आध्यात्मिक और भौतिक कार्यों में मन लगेगा। अगर मौका मिले तो अपने माता पिता या सलाहकार के साथ लघु यात्रा पर जाएं और परामर्श लें। आपको जल्द ही शानदार नतीजे मिलेंगे। सभी अनुबंध और साझेदारी आपको एक बार फिर आकर्षित करेंगे। लाभ और प्रगति अभी आपसे दूर है किंतु आने वाले समय में आप वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं। अभी सपने देख रहे हैं। आप उन सभी बाधाओं से छुटकारा पाएंगे जो आपके रास्ते को अवरुद्ध कर रही है और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। आपको आज परिश्रम से बढ़कर भाग्य लाभ दिलाएगा। नौकरी कारोबार में आपकी स्थिति मजबूत और बेहतर बनेगी। वैसे आज खर्च भी आपका बना रहेगा। आप आज शुभ कार्यों सहित शौक की चीजों पर भी धन खर्च करेंगे। जीवन साथी को आज आप कहीं घुमाने ले जा सकती हैं। तीर्थ यात्रा का भी आज आप पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। आपको आज किसी पुराने मित्र अथवा परिचित से मिलने के मौके मिलेंगे। साथ ही आपकी किसी समस्या का समाधान भी होगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों पर पूरे एक्टिव रहेंगे। उन्हें किसी की सलाह पर चलने से बचना होगा। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आपकी साख और संबंधों में वृद्धि होगी। आपको काम को लेकर अधिक थकान रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपके मनचाहे खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों का कोई नया टैलेंट जाग सकता है। संतुलित दिनचर्या रखना आपको व्यवस्थित होने में मदद करेगा। अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दौड़ धूप की अधिकता रहेगी परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी। प्रभावशाली तथा अनुभवी लोगों का भी सानिध्य मिलेगा। अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। इन पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से हो इस बात का ध्यान रखें। अपने दिमाग पर तुरंत अमल करने की जिद ना करें। जो बातें जीवन में स्थिरता लाती है ऐसी बातों पर ध्यान दें। काम की जगह के लोगों की अपेक्षाओं को समझते हुए अपने काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति में आ रही बदलाव के कारण रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सावधानियां।
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखे तथा वक्त के अनुसार अपनी स्वभाव में भी अवश्य लचीलापन लाएं। इस समय किसी भी तरह की उधारी करना आपको नुकसान में डाल देगी। युवा लोग गलत आदतों तथा गलत संगति से दूरी बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य और योगदान से घर का माहौल और अधिक खुशनुमा हो जाएगा। एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर ना बनने दें। आपको बहुत ही व्यवहारिक होकर अपनी चिड़चिड़े रहने का कारण ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज या बात आपके बहुत काम नहीं आने वाली तो भी ओवर रिएक्ट ना करें। अगर आपको अपने इस संबंध को आगे बढ़ाना है तो आपको इन छोटी छोटी दरारों को भरना होगा। इसके लिए अपनी भावनाओं से हटकर स्थिति के बारे में व्यवहारिक होकर सोचना होगा। करने वाली कोई सच्चाई भी पता लगेगी। आप हर चीज में माहिर है, फिर वो बात चाहे व्यवसाय की हो या रोमांस की। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को हमेशा अपने दिल में रखें। आज आपका झुकाव धर्म और परिवार की तरफ अधिक होगा। आपके किसी शिक्षक, ट्रेनर या मेंटर को आपकी मदद की जरूरत हो सकती है। अगर सभी बाधाओं पर विजय पाने का दिन है, आज सभी बाधाओं पर विजय पाने का दिन है। आप अपने प्रेम संबंधों में एक नए मोड़ का अनुभव करेंगी, जिससे यह और भी खूबसूरत और उत्साहित हो जाएगा। नए रिश्तों का भी संकेत मिल रहा है। अगर किसी को चाहते हैं तो दोस्ती से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा प्यार पूरी उम्र आपका साथ देगा। बात करते हैं करियर की। धर्म और ज्ञान के लिए यात्रा कर सकते हैं, जैसा आपके शिक्षक या गाइडर आपकी मदद करेंगे। समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको हर जगह सम्मान दिलाती है। अपने उद्देश्यों के अनुरूप योजनाएं बनाएं। आज दुर्घटनाओं और अन्य परेशान करने वाली परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। संबंध और साझेदारी अब आपको आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है कि जीवन के इस चरण में आपको वो ना मिले जो आप चाहते हैं। लेकिन आपका भविष्य शानदार होगा। अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करें और जल्दी ही आप विजेता के रूप में उभरेंगे। याद रखें, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग दिशाओं में आपका मन भाग रहा है और निर्णायक निर्णय लेने में आप असमर्थ रहे हैं। हालांकि आज आपको दृष्टि की एक दुर्लभ स्पष्टता का अनुभव होगा और आप अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपको किसी से अच्छी करियर सलाह मिलने की भी संभावना है। अच्छा, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की संभावना है जो आपकी भविष्य के करियर के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। कारोबारी गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उत्तम समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। व्यापार आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाएं बनेगी। नौकरी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने से भी राहत रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसा कि आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।